Hello students, good morning, welcome back to all of you in the online class of English provided by Rastan Academy Chur. Students, अपना टॉपिक चल रहा था टेंस का. टेंस में हमने प्रेजेंट, परफेक्ट स्टडी कर ली थी. प्रेजेंट परफेक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था, उसकी स्टडी कर ली थी. और उसकी दो बातें हमने हैज हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की इसकी थर्ड फॉर्म दोनों को हमने सीख लिया था, पढ़ लिया था. अब देखें कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हमें कब करना है, कहाँ करना है. सेंटेंस में हमें क्या पता चले कि इसके अंदर हमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है. उसके लिए देखिए कुछ एडवर्ब्स होती हैं, जैसे रिसेंटली, लेटली, येट, सो फार, जस्ट, ऑलरेडी. कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं जिनको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इस टेंस जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है वो कौन से टेंस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा. यदि हम ये देखते हैं, कभी कभी इसमें जैसे दिस टाइम भी आ जाता है, दिस टाइम, दिस मॉर्निंग, दिस मंथ, इस प्रकार से आ जाता है, उसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं. तो देखिए इनमें से कोई भी एडवर्ब यदि हमें दी हुई मिलती है सेंटेंस के अंदर तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि उसके अंदर टेंस आएगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट. और जब हमें ये पता चल जाता है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट ऑलरेडी स्टडी किया, पढ़ा कि हैज हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये इसके अंदर आएगी. तो देखिए जैसे सेंटेंस लिखे हम एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आ गया, अब क्वेश्चन ये है कि इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी है, यानी वर्ब की जो सही फॉर्म है वो हमें क्या करनी है, इसके अंदर फिल करनी है. तो वर्ब की सही फॉर्म को फिल करेंगे हम तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके अंदर टेंस कौन सा आएगा. टेंस आइडेंटिफाई करें तो देखिए सी से टेंस आइडेंटिफाई नहीं होता, गो से टेंस आइडेंटिफाई नहीं होता, आउट से भी हमें नहीं पता चलता, हमें पता चलेगा जस्ट एडवर्ब से. जस्ट एडवर्ब आती है तो जस्ट एडवर्ब कौन से टेंस में यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती है. तो जस्ट एडवर्ब से हमने इसका टेंस आइडेंटिफाई कर लिया कि जस्ट एडवर्ब है तो टेंस अपना आएगा प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट जब टेंस आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ा कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे अपनी हैज और हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो देखिए सी के साथ में आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज, सी हैज जस्ट, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, सी हैज जस्ट गॉन आउट. अब देखिए यदि इसमें हम दूसरा टेंस करते हैं तो वो गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जैसे हमने सिंपल किया तो एडवर्ब ये नहीं आती, कंटिन्यूस किया तो एडवर्ब नहीं आएगी. तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप से यदि हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो हमें आइडेंटिफाई किया प्रेजेंट परफेक्ट और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट आएगा. अब हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट करें हम. नेक्स्ट देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए इसका, ये हुआ अपना कंप्लीट आवर वर्क, ये सेंटेंस हुआ.
अब सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म करनी है तो करेक्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं इसकी कि इसके अंदर कौन सा टेंस आएगा। तो ही एक सब्जेक्ट है जो सभी टेंस में आता है, इससे कोई हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कंप्लीट एक वर्ब है जो किसी भी टेंस में आ सकती है, और वर्क ऑब्जेक्ट है जो किसी भी टेंस में आ सकता है। तो इन बातों से हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा टेंस आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। लेकिन ऑलरेडी एक एडवर्ब है जो प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करती है, प्रेजेंट परफेक्ट बताती है कि कार्य पास्ट में पूरा हो चुका है और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है। तो टेंस आपका आता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आइडेंटिफाई हो गए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है अपना। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स इस टेंस में है, हैज और हैव। हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब्स हैं। बी अपना क्या है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आ गई हैव। मैन वर्ब देखें तो मैन वर्ब की इसमें आती है थर्ड फॉर्म, हमने स्टडी की है पहले पढ़ा, तो थर्ड फॉर्म हो गई कंप्लीटेड। तो इस प्रकार से सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है हमें, और आइडेंटिफाई करके उसमें करेक्ट फॉर्म करनी है जो टेंस के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। आइडेंटिफाई करके क्या कर सकते हैं, इसमें कंप्लीट जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो फिल कर सकते हैं।